नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे LIC के एक न्यू पॉलिसी के बारे में, जिसको LIC ने 23 जून 2023 को मार्केट में लाई है। इस पॉलिसी का नाम है धन वृद्धि और इसका टेबल नंबर है 869। दोस्तों, LIC का धन वृद्धि प्लान एक सिंगल प्रीमियम इंडोरमेंट प्लान है, यानी कि यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सिर्फ आपको एक बार ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है पॉलिसी लेते समय। दोस्तों, इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें गारंटेड एडिशन है, जिस वजह से इसकी मैच्योरिटी फिक्स मैच्योरिटी है। मतलब पॉलिसी लेते समय ही आपको पता होगा कि आपको कितने की मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। गारंटेड एडिशन कितना होगा आप इसको इस टेबल में देख सकते हैं। ए रेट पर 1000 के हिसाब से है, यानी 25 रुपए प्रति हजार से लेके 75 रुपए प्रति हजार तक है। आपके पॉलिसी में गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा ये निर्भर करता है कि आपने सम एश्योर्ड कितने का लिया है और आपने सम एश्योर्ड के कौन से ऑप्शन में लिया है, और साथ ही साथ पॉलिसी कितने टर्म का आपने लिया है। अब इस पॉलिसी में समझने की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पॉलिसी का लाइफ कवर ऑप्शन क्या है। दोस्तों, इस पॉलिसी में लाइफ कवर के दो ऑप्शन है, जिसमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव आपको पॉलिसी लेते टाइम ही करना होगा और उसी के अनुसार आपको लाइफ कवर मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, मतलब आप जितने का सिंगल प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.25 टाइम लाइफ कवर मिलेगा। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पे किया तो आपको 1.25 टाइम के हिसाब से 12,50,000 रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सपोज 20 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 1.25% के हिसाब से 25 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगा। LIC धन वृद्धि प्लान में दूसरा ऑप्शन है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी कि सिंगल प्रीमियम का 10 गुना। अगर आपने इस ऑप्शन में 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पे किया तो आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगा। अब आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए ये आपके जरूरत पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन यानी क्राइटेरिया क्या है। इस पॉलिसी को लेने के लिए तीन पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है। पहला है 10 साल, दूसरा 15 साल और तीसरा है 18 साल। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 10 इयर्स के पॉलिसी को लेने के लिए 8 साल, 15 इयर्स की पॉलिसी को लेने के लिए 3 साल और 18 इयर्स की पॉलिसी को लेने के लिए 19 डेज है, और यह दोनों ऑप्शन के लिए सेम है। अब पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है दोनों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। ऑप्शन एक के लिए तीनों पॉलिसी पीरियड के लिए 60 साल है और ऑप्शन दो के लिए 10 ईयर पॉलिसी पीरियड के लिए 40 साल है, 15 ईयर्स पॉलिसी पीरियड के लिए 35 साल है और 18 ईयर्स पॉलिसी पीरियड के लिए 32 साल है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ऑप्शन एक के लिए मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 78 ईयर्स है और ऑप्शन सेकेंड के लिए मैक्सिमम 50 ईयर्स है तीनों ही पॉलिसी पीरियड के लिए। मिनिमम सम एश्योर्ड धन वृद्धि पॉलिसी लेने के लिए 1.25 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह पॉलिसी बच्चों के लाइफ को भी कवर करती है, तो इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। यदि यह पॉलिसी बच्चे के नाम से लेते हैं तो रिस्क की कवरेज कब से शुरू होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 साल या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते समय ही कवरेज शुरू हो जाएगी, और यदि बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो जाए या फिर पॉलिसी लेने के बाद 2 साल पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी हो जाए रिस्क की कवरेज वहां से शुरू हो जाएगी। मतलब अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो 8 साल पूरे होते ही कवरेज शुरू हो जाएगी, या फिर बच्चे की उम्र 4 साल है और उस टाइम पर पॉलिसी लेते हैं फिर बच्चे की उम्र 6 साल पूरे हो जाने पे पॉलिसी कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर आपके पैसे की दिक्कत आ रही है जिस वजह से आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते तो इस पॉलिसी में ऑप्शन है, आप चाहें तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो कोशिश हमेशा यही करें कि पॉलिसी को सरेंडर ना करना पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी में लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद से ये सुविधा मिल सकती है। अब इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक क्लाइंट है जिनका नाम है मिस्टर कपूर, जिनकी एज 40 साल है और एक LIC की इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख है और पॉलिसी पीरियड 15 साल का चूज किया है, और मिस्टर कपूर ऑप्शन एक का चुनाव किया जिसमें सिंगल प्रीमियम के 1.25 टाइम लाइफ कवर होगा, तो इसके लिए मिस्टर कपूर को 8,63,800 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो कि सिंगल प्रीमियम रहेगा। इस प्रीमियम के तहत मिस्टर कपूर को 10 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगी और जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब मैच्योरिटी के रूप में मिस्टर कपूर को सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और साथ में मिस्टर कपूर को गारंटेड एडिशन 11,25,000 रुपए मिलेंगे,
टोटल वैल्यू 21,25,000 रुपये बनेंगे। अब समझते हैं इस पॉलिसी में रिटर्न्स कितने परसेंट का मिला। तो मिस्टर कपूर को इस पॉलिसी में लगभग 6.18% का रिटर्न्स मिला है। अगर मिस्टर कपूर की डेथ पॉलिसी पीरियड के दौरान होती है तो उनके नॉमिनी को पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड कन्फर्म मिलेगा और साथ में गारंटेड एडिशन 75,000 प्रति साल के हिसाब से मिलेगा। गारंटेड एडिशन इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा साल के लिए चलेगी गारंटेड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब 10 लाख के सम एश्योर्ड के दोनों ऑप्शन के लिए 10 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति की 10 साल 15 साल और 18 साल के पॉलिसी पीरियड के प्रीमियम और मेच्योरिटी यहाँ पर देख सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप अपने प्रीमियम और मेच्योरिटी का आइडिया लगा सकते हैं। दोस्तों ये फुल डिटेल्स रिव्यू वीडियो है LIC धन वृद्धि पॉलिसी के रिगार्डिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी या फिर कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट्स करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल द टुमारो गोल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आने वाले इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।